हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है संडे है, तो आज का शेड्यूल जो है थोड़ा फ्री होता है, क्योंकि ऐसे जब वर्किंग डेज होते हैं तो तब इनको स्कूल जाना होता है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर खाना बनाना पड़ता है इनको स्कूल, या फिर स्कूल जाते हैं, तो थोड़ा मैं बिजी होती हूँ। तो आज मैं फ्री हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग बना लेती हूँ। जैसे कि अब मैं इनके बालों में ऑयलिंग करने जा रही हूँ, तो ऑयल में मैं मिक्स करूँगी नीम पाउडर, जो कि इजली मार्केट में अवेलेबल होता है, किसी भी मार्केट पे आपको मिल जाएगा, जैसे पंसारी की दुकान पे या करियाना की शॉप पे आपको मिल जाएगा। और दूसरा है 3-in-1 पाउडर, जिसमें है आंवला, शिकाकाई और रीठा। ये जो है ये क्या है, बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो अब मैं इनके बालों में ये अप्लाई करूंगी, क्योंकि इनके बालों में थोड़ा ड्राइनेस है और थोड़ी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रखी है, बाल भी थोड़े थोड़े झड़ रहे हैं। अब मैं इसको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके इनके स्कैल्प में अप्लाई करूंगी, क्योंकि कोकोनट ऑयल हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि कोकोनट ऑयल की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स ऑयल। तो इसलिए मैं इनको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके इनके स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ। मैंने इसमें कोकोनट ऑयल लिया हुआ है, अब मैं थोड़ा सा इसमें नीम पाउडर डालूंगी और देन इसमें मिक्स करूंगी 3-in-1 पाउडर, जो कि आंवला, शिकाकाई और रीठा है। इसको मैं इसमें मिक्स करूंगी, देन इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। ये देखिए कैसा बना, बालों में अप्लाई करेंगे तो हमारे बाल जो हैं वो बहुत अच्छा, उनको मॉइस्चर मिलेगा। अभी सॉल्यूशन रेडी हो गया है इनके बालों में अप्लाई करने के लिए। अब मैं इनके बालों में अप्लाई करती हूँ। अब मैं इसको पहले स्कैल्प एरिया में अप्लाई करूँगी, क्योंकि स्कैल्प एरिया से हेयर फॉल सबसे ज़्यादा होता है पहले, तो इसलिए हम इधर अप्लाई करेंगे ज़्यादा, हम इसको स्कैल्प एरिया में ही लगाएंगे। और इसमें हमने जो नीम डाला है उसके बेनिफिट्स ये हैं कि उसको उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जिसको भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो या ड्राइनेस हो या डैंड्रफ हो, उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है नीम। और जैसे कि दूसरा 3-in-1 में मैंने आंवला, रीठा, शिकाकाई डाला हुआ है, तो आंवले से जैसे कि जिसको ग्रे हेयर होते हैं या वाइट हेयर होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो आंवला जो है वो बालों को क्या करता है, ब्लैक कर देता है, और ऐसे भी वो क्या बालों के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसलिए मैंने ये दोनों जो है पाउडर इसमें मिक्स करके इनको अप्लाई कर रही हूँ। तो इनको मैंने पहले भी मैंने इसको इनको ये अप्लाई किया हुआ है, तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, इनके हेयर फॉल जो हो रहा था बहुत ज़्यादा उसमें कमी आ गई है, और अब डैंड्रफ तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमने ये रखा है कि हम हर हफ्ते इसको अप्लाई करेंगे बालों में। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा कर, आप तो बड़े मज़े मज़े ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छे से मसाज करो, हल्की हल्की नींद आ जाए मेरे को। इसके बाद इन्होंने मुझे भी करनी है, क्योंकि मैं इनको और ये मुझे करते अगर मैं हैं। जागा रहा तो सो गया तो फिर नहीं कर पाऊंगा, क्यों फिर नहीं कर पाऊंगा। ये मुझे भी करते हैं, अभी ये तभी नहीं बोल रहे, सोच नहीं रहे नहीं कि कर अभी। दूंगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हाँ, मैं कर ये दूंगा। बालों में अप्लाई कर लिया है, अब इनको थोड़ा मसाज कर रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा पेनिट्रेट जल्दी हो जाए। तो इसके बाद ये 5-6 घंटे के लिए रख लेंगे, तो उसके बाद ये हेयर वॉश कर लेंगे। नाउ इट्स माई टर्न, अब मैं अपने बालों में ऑयलिंग करवाऊंगी। करो करो स्टार्ट करो, अब मैं आराम करूंगी। नहीं और क्या, अब जैसे आप अच्छा सो रहे थे, अब मैंने सोना है, आप अच्छा ऑयलिंग कोई करो, बात ठीक है? नहीं, आ जाओ आराम से करना, ठीक अच्छे से करना, जैसे मैंने की थी ना वैसे ही करना। गंज हो चुकी है पूरी। कैसी गंज हो चुकी है यार, आपके गिर रहे मजाक कर हैं। रहा हूँ भाई, मजाक कर नहीं, रहा हूँ, माना कि टेंशन मत मेरे ले, हेयर टेंशन फॉल हो रहा है, लेकिन मत इतना ले, भी नहीं हो रहा। नहीं इतना भी कुछ नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूँ भाई। देखिए ऐसे स्कैल्प में ये अच्छे से लगाना है, ताकि ये अब्जर्ब हो, और उसके बाद थोड़ी देर रख के आप इसको वॉश कर सकते हो थोड़ी देर नहीं यार, 5-6 घंटे तो कम से कम रखना ना। चलो चाहिए, 5-6 घंटे रखो यार। इतनी मेहनत करके तो फिर इतना जल्दी दूध देगी। क्या हो रहा, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे आपको नींद आ रही थी ना, बस वैसे मुझे भी नींद आ रही पूरा एंजॉय कर है। रही है ना, हाँ, फुल एंजॉय। चल संडे यार। होता ही थोड़ा एंजॉय करने के लिए ना, थोड़ा बंदा अपने आप को पैम्पर करता है। अच्छा ऐसा है, जी फिर ऐसे ठीक है, हो गया डन। डन। अब मैं जाके सब्जी बनाऊंगी दिन के लिए। आज मैंने पनीर लाया हुआ है, तो आलू पनीर बनाऊंगी,
तो दिन का खाना खाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर रेस्ट करेंगे। तो यही हमारा आज दिन का शेड्यूल है। अब हमारे लंच का टाइम हो गया, तो अब देखो मैंने जो पनीर और आलू की सब्जी बनाई है, हम इसे खाएंगे। ये हमारे पूरे दिन की दिनचर्या थी। दैट्स इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।